नोट्स नहीं मिल रहे हैं, क्लासेस नहीं हुई है, बुक्स नहीं है, तो आखिर हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ये हर आम स्टूडेंट्स की आज जो है एक बहाना है या प्रॉब्लम है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट्स, आपके जो ये प्रॉब्लम्स हैं पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यस स्टूडेंट्स, मैं एस के गुप्ता ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर की ओर से आज आपके बीच उपलब्ध हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, आगे हम वीडियो को बढ़ाएं, इसके पहले आप दो मिनट का मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। वीडियो को देखें और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप क्या सीखें आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। ये वीडियो जो है आपका जिंदगी बदलने वाला वीडियो हो सकता है, क्योंकि आज तक जो आप करते आ रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर सोचेंगे कि आखिर आप क्या करते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, देर न करते हुए पहले आप वीडियो में अपना नाम नहीं देख लेता, कोई भी अभ्यर्थी को श्योर नहीं होता कि उसे होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल बेचैनी थी। और जब मैंने नाम देखा तो काफी खुशी हुई थी। अच्छा, बचपन में पापा ज्यादा पीटते थे कि मम्मी? नहीं, पीटने का काम तो मेरा ही था, कि मैं क्रिकेट खेलने के दौरान काफी बदमाशियां किया करता था। बेगूसराय में अपने घर से रह के मैंने तैयारी की, तो मेरे लिए ऑफलाइन की कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने मोस्टली ऑनलाइन सोर्सेज के जरिए ही मैंने पढ़ाई की है। जो भी मुझसे बन पड़ा, जहाँ से मुझे यूट्यूब से, गूगल से, जो भी मुझे सोर्सेज मिले, मैंने उसी की मदद से पढ़ाई की। और मैं 2 साल के लिए सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया था। मैंने 2 साल वहाँ से 12वीं की, उसके बाद मैंने IIT पटना से BTech किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और 2021 में मैं IIT पटना से ग्रेजुएट हुआ। और उसके बाद मैंने 2021 में, स्टूडेंट्स आपने वीडियो में देखा कि कैसे एक स्टूडेंट यूट्यूब और गूगल की सहायता लेकर, कोई भी ट्यूशन नहीं लेकर, UPSC का एग्जाम निकाल लिया। और आप BA BSc के सेमेस्टर 1, 3, 4, 6 जिसके स्टूडेंट्स हैं, कोरोना के वजह से आपके क्लासेस नहीं हुई है, तो आप रोना रो रहे हैं कि मेरे क्लासेस नहीं हुई है, मेरे पास नोट्स नहीं है, गेस्ट पेपर नहीं है, किताबें नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा। स्टूडेंट्स, आज आपके पास जो मोबाइल है वह सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर आप जुलाई अगस्त में सेमेस्टर 1 और 6 का एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। स्टडी स्किप किए इस 15-20 मिनट के वीडियो को जरूर देखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, हो सकता है। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे बड़ी बात है 3 प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लासेस होने पर जो होते हैं, हमें वहाँ लेक्चरर के जो होते हैं, लेक्चर जो होते हैं, वो किसी विषय पर जो है डीपली जो बताते हैं, वो हमारे माइंड में एडजस्ट होता है। और जब हम उस टॉपिक को बुक में पढ़ते हैं तो हमारा माइंड समझता है, और फिर हम अपने प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं या नोट्स को हम समझ सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम से क्लासेस हुई नहीं है, क्लासेस आप किए नहीं हैं, तो आपको नोट्स चाहिए या गेस्ट पेपर चाहिए। यस स्टूडेंट्स, नोट्स या गेस्ट पेपर कैसे मिलेगा? लेकिन इस नोट्स और गेस्ट पेपर पर जो है आपका क्या माइंड जो है समझ पाएगा आपके सब्जेक्ट को? क्योंकि जो स्टूडेंट आपने देखा वीडियो में UPSC निकाला, वह YouTube और गूगल से ही पढ़ा है। तो ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर एक ऐसी प्रोग्राम लेकर आपके लिए आ रही है, जिसमें कि हम आपको जो है सेमेस्टर 1 के और सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स को जो है YouTube से और Google से पढ़ना सिखाएंगे। आपको आपका सेमेस्टर का कोई कोर पेपर को लेंगे और उसके सिलेबस को लेंगे स्टूडेंट्स, और उसके सिलेबस को लेकर हम जो है आपका उस सिलेबस के जो अंदर लेसन है उसके मैं आपको लेक्चर निकालने सिखाऊंगा कि किस तरह आप YouTube से जो है उसका लेक्चर निकाल सकते हैं, जो आपका कॉलेज में क्लास में प्रोफेसर देता है, उसी तरह का लेक्चर आपके मोबाइल पर मिलेगा। आप हिंदी में सुनना चाहते हैं, इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपके YouTube पर। वो मैं आपका पूरा कोर का, जिस भी, जैसे मान लीजिए सेमेस्टर 1 का कोर 1 और कोर 2 का, आपको सेमेस्टर 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोर 13, 14 DSC 3, 4 का एग्ज़ाम देना है, तो इन सभी एग्जामों में एक पेपर को मैं पूरा उठाऊंगा, और प्रत्येक लेसन का उस कोर के पेपर में जो सिलेबस हो के अंदर जो लेसन्स होंगे उसका मैं प्रत्येक लेसन का लेक्चर नोट्स निकालना सिखाऊंगा। फिर उस नोट्स का गूगल से डाउनलोड करना सिखाऊंगा कि उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर जो है आप कैसे
गूगल से नोट्स डाउनलोड करेंगे लेक्चर सुनने के बाद, फिर आपको मैं ब्रेन से लिखना सिखाऊंगा कि आप नोट्स की रचना कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा सीखना चाहते हैं, तो ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर 11 जून से शाम 6:30 से 9:30 तक जो है आपको आपके कोर सब्जेक्ट का जो है पूरा सिलेबस निकालना सिखाएगी यूट्यूब और गूगल के मदद से, और उसका आंसर और लेक्चरर का नोट्स। और जब आपके अंदर जो है ऑनर्स पेपर रहेगा, ज्ञान रहेगा, तो जब आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी जितनी भी एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम में अगर आप सही से पढ़ेंगे तो उस एग्जाम में आपको बहुत सारे हेल्प्स मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं चर्चा करूँगा कुछ विशेष बातों पर। देखिए सब्जेक्ट्स क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाला है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, होम साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फिलॉसफी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। इन सभी सब्जेक्टों का क्लास जो है मैं प्रतिदिन एक दिन से लेकर रात 9:30 तक 3 घंटा समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी अपने ऑनर्स पेपर को जानना चाहते हैं, माइंड से अपने नोट्स को बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल की सहायता से यूट्यूब और गूगल की हेल्प लेकर, तो ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर जो है आपके लिए फ्री प्रोग्राम लेकर आई है, जिसमें हम प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है पर डे एक कोर पेपर का पूरा सिलेबस का जो लेसन्स हैं उसका नोट्स, वीडियो लेसन, लेक्चरर के नोट्स, सारा चीज़ आपको हम सिखाएंगे। और आपको हम एक पेपर अगर सिखा दिए तो बाकी पेपर आप निकालना सीख जाएंगे, कोर 2, जनरल इलेक्टिव, कोर 13, 14, डीएससी 3, 4, जो भी आपके पेपर्स हैं। अगर मैं एक पेपर का पूरा का लेक्चरर नोट्स और नोट्स गूगल से निकाल लें और उसको सेव करने, उसको प्रिंट आउट निकाल लें, मैं आपको सिखा दूँ और आपको नोट्स रचना करने की कला सिखा दूँ कि आपको नोट्स बनाने में क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, नोट्स कैसे बनाया जाता है, अच्छा नोट्स कैसे बनता है अपने दिमाग से, अगर इन सब बातों को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है स्टूडेंट्स, वहाँ जाइए और अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, अपने ऑनर्स पेपर को सिर्फ भरिए। उसमें से मैं आपको एक पेपर का सिखाऊंगा और अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालें, क्योंकि उसी पर आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि आपके ऑनर्स पेपर का क्लास किस दिन होगा। ये निःशुल्क है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर इस प्रोग्राम को कोऑपरेट करना चाहते हैं तो वह स्वेच्छा से कुछ डोनेट कर सकते हैं एसकेजी ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर को, क्योंकि ज्ञान ज्योति का सीधे कहना है कि आप जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, आप बांटते नहीं हैं, आप दूसरों को निस्वार्थ भाव से अपने ज्ञान को देते नहीं हैं, तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। अगर स्टूडेंट्स आप भी ऊपर उठना चाहते हैं तो आपके अंदर जो ज्ञान है अपने आसपास में बांटना शुरू कीजिए, देखिए आपके लिए नए नए दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।